ऑलराइट, तो आज एक नया दिन, नई अपॉर्चुनिटी और एक नया ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भाई आज जो मैं आपको स्कूटर दिखाने जाने वाला हूँ, शायद जो है आपने इस स्कूटर के बारे में सुना ना हो और देखा भी ना हो, तो वो स्कूटर है यामा की PS6 फसिनो 125cc। तो आज के ब्लॉग में जो मैं उस स्कूटर को चलाने वाला हूँ और मैं आपको बताऊँगा मेरा रिव्यू उस स्कूटर को लेकर, एंड इसी गुड नोट के साथ जो अपने शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। 3, 2, 1 ऑलराइट, सो मेरे सामने है, हेलो, ऑलराइट, सो मेरे सामने है द ब्यूटीफुल यामाहा फसिनो 125cc BS6 में। मतलब ये बाइक जब मैंने पहली बार देखी और इसमें जैसे ही मैंने इस स्कूटर को देखा तो मेरा जो है तुरंत इसने अटेंशन ग्रैब कर लिया। मतलब यहाँ पर इन लोगों ने ये जो कॉपर फिनिशिंग वाला कलर मारा हुआ है, दिखने में तो जो है बहुत ही ज़्यादा कड़क दिखता है। आप जस्ट देखिए इसको कितना दिखने में अच्छा है। सो वंस अगेन यामा ने जो है यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन में मतलब पूरा का पूरा पैसा वसूल वाला स्कूटर बना दिया है। एंड स्पेशली बाइक का जो बैक वाला लुक है, बैक से ये जो लुक आता है, ये पूरा का पूरा जो बैटमैन जैसा शेप बनाया हुआ है ब्रेक लाइट्स के लिए, जो दिखने में तो जो है बहुत ही ज़्यादा कड़क दिखता है। तो ओवरऑल बाइक का लुक एंड फिनिश, बाइक का मतलब बाइक जिस तरीके से दिखती है वो मतलब 10/10 मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रंट से शुरुआत करते हैं। फ्रंट में आपको मिल जाता है ट्यूबलेस टायर्स विद अलॉय व्हील्स एंड डिस्क ब्रेक। यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक दिया है वो निसिन के डिस्क ब्रेक दिए हुए, और पीछे की साइड के टायर्स में जो है आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, बट पीछे की साइड जो है आपको यहाँ पर फिर से कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम आपको मिल जाता है, तो उससे क्या होता है कि जब कभी आप जो है अपनी पीछे की ब्रेक्स अप्लाई करोगे तो आगे और पीछे दोनों का ही ब्रेक्स अप्लाई हो जाएगा। किक स्टार्ट भी दिया हुआ है, वेरी नाइस। और यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा सा फसिनो का लोगो भी इन्होंने दिया हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा एम्बॉस होकर उठ के बाहर आता है। पीछे की साइड दो रिफ्लेक्टर्स, वेरी नाइस। बाइक का साइलेंसर, ये बाजू टर्न सिग्नल्स, एंड आपको यहाँ पर मिल जाती है हेलोजन लाइट्स। आई विश LEDs होती, बट नो प्रॉब्लम, हेलोजन लाइट्स है। सो बाइक की जो सीट्स है यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा खासा काम किया हुआ है, और पिलियन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन जाती है यहाँ पर, और ग्रैब बार्स जो दिए हुए वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े और कड़क है। तो सीट को लेकर वंस अगेन 10/10। और अभी अपन चेक कर लेते हैं स्कूटर का बूट स्पेस। तो यहाँ पर जो है आपको 21 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आराम से आपका एक फुल फेस हेलमेट भी आ जाएगा। एंड बाइक का जो पेट्रोल टैंक है वो आपको कुर्सी खोलकर एक्सेस करना पड़ेगा। यहाँ पर जो इन लोगों ने डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया हुआ है फ्यूल फिलअप करने के लिए, पर दैट्स ओके, दैट्स नॉट ए बिग इशू। और मैंने कर दिया बूट को बंद। अभी अपन बाइक पर बैठते हैं एंड बाइक का लेते हैं लुक एंड फील, क्या बात है। ये कर दी मैंने इंजन ऑन। तो यहाँ पर जो आपको बहुत ही बेसिक सा डिस्प्ले मिलता है, आपका इंजन का साइन मिल जाएगा, आपका स्पीड, ट्रिप, फ्यूल गेज और इकोसिस्टम और बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपको ऑटोमेटिक का स्विच मिलता है, मतलब कि अगर आपकी बाइक जो है बहुत देर तक सिग्नल वगैरह में खड़ी है तो बाइक जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही आप रेव करोगे तो बाइक का इंजन हो जाएगा चालू। स्कूटर के जो लीवर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी अपन बाइक को कर देते हैं ऑन, और मैंने सुना है कि इसमें जो है साइलेंट स्टार्टअप है। तो यस, बाइक जब कभी भी शुरू होता है आपको समझेगा नहीं कि बाइक कब शुरू हो गया, बट अभी मेरी बाइक जो है शुरू हो चुकी है। ऑलराइट, तो अभी अपन स्कूटर को चलाते हैं एंड लेट्स सी। तो अभी जो है अपन बाइक का पिकअप मारते हैं। अरे बाप रे, बाइक का पिकअप बहुत ही ज़्यादा कड़क है, तुरंत बाइक रिस्पांस दिखाती। मतलब स्कूटर में 125cc के हिसाब से तो जो है पिकअप बहुत ही ज़ोरदार है। तो फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और पीछे की साइड वही आपको सिंगल सस्पेंशन मिलेंगे यहाँ पर। एंड बाइक की जो हैंडलिंग है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा शार्प है। तो यामा में जो है हैंडलिंग को लेकर मुझे कभी भी कोई भी कंप्लेन नहीं हुई है। तो यहाँ पर वंस अगेन यामा ने जो है हैंडलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा खासा काम किया हुआ है। दूसरी बात, बाइक के जो साइड मिरर्स है उसका अगर आप लोगों ने शेप नोटिस किया होगा तो लीफ मतलब एक पान के शेप का इन लोगों ने साइड मिरर्स बनाया हुआ है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा कड़क दिखता है। एंड पीछे जो है आपको तुरंत सब कुछ पता चल जाता है कि पीछे क्या हो रहा है आपके, आपको तो जो है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यार बाइक की हैंडलिंग और बाइक का पावर मजबूत है यार, मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं कोई बाइक चला रहा हूँ, इतना पावर है इस स्कूटर में। यार ब्रेक्स भी कमाल की काम करती है यार, बाइक का स्टॉपिंग पावर एकदम मजबूत। ब्रेक्स अप्लाई करते ही आपकी बाइक जो है तुरंत स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप ही नहीं मतलब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देगी। तो आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं अगर आप एक फोर्स ब्रेक करते हो या फिर आप इमरजेंसी में ब्रेक्स अप्लाई करते हो।
बाइक का पावर बहुत मजबूत है यार, मजा आ गया यार, पैसा वसूल यार। दूसरी बात मैंने ये नोटिस की है, एक मिनट मैं यहाँ से यू टर्न मार लेता हूँ यार, ये गाड़ी चला रहा है कि क्या कर रहा है। दूसरी बात मैंने ये नोटिस की है कि जैसे ही आप बाइक को एक्सेलरेट करते हो, बाइक में से जो एग्जॉस्ट निकल के आता है, इतना ज़्यादा कड़क आवाज़ आता है बाइक में से, जो सुन के तो जो है आपके कानों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो वंस अगेन मुझे जो है मज़ा आ गया बाइक की एग्जॉस्ट सुनकर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक कार्बन फाइबर जैसा ही लोग ने कोई तो मटेरियल यूज़ किया हुआ है, जो दिखने में तो जो है बहुत ही अच्छा खासा लुक देते हैं। तो पूरा नीचे से लेके ऊपर तक जो है यहाँ पर इन लोग ने ये फिट एंड फिनिश दिया हुआ है। फिट एंड फिनिश के मामले में जो है ये बहुत कड़क है, बहुत कड़क। और सीटिंग पोजीशन, बाइक की जो सीटिंग पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है, मेरे पाँव जो है आराम से आगे की साइड आ रहे हैं और मैं चाहूँ तो अपने पाँव को थोड़े बहुत और फैलाकर भी बैठ सकता हूँ। मेरी हाइट है 5'10" और मुझे जो है अपने दोनों ही पैर नीचे टिकाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बाकी काफ़ी आसानी से जो है मैं अपने दोनों पाँव नीचे टिका पा रहा हूँ। लेडीज़ लोग के लिए जो है ये बाइक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, बिकॉज़ बाइक की जो सीटिंग है वो कुशनिंग किया हुआ है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। मतलब आप मान लो बम्प्स वगैरह में से भी जाते हो तो आप जो है सीट से उछलते नहीं हो, आप वहीं के वहीं बैठे रहोगे, बहुत अच्छा। यार एक चीज़ माननी पड़ेगी यार, ये बाइक की हैंडलिंग बहुत सही है यार, बहुत सही। एंड बाइक के जो सस्पेंशंस है काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, तो देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर थोड़े बहुत खरा कच्चा रास्ता है, तो बाइक जो है बाइक के जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, आपको जो है बम्प्स वगैरह बहुत ही मिनिमल फील होते हैं, नहीं फील होते ऐसा नहीं है, थोड़े मिनिमल फील होते बट फील तो होते हैं, वो तो ऑब्वियस है, नो प्रॉब्लम, बट काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है काम करते हैं सस्पेंशन। एंड बाइक का जो टर्निंग रेडियस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है, तो टाइट स्पॉट्स वगैरह में से आपको निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रैफिक वगैरह में तो जो है आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पर। और आगे की साइड जैसे मैंने आपको बताया आपको हैलोजन लाइट्स मिलते हैं, जो ऑल डे रनिंग हैलोजन लाइट्स है, आप जो इसे टर्न ऑफ नहीं कर सकते। एंड वाइब्रेशंस की बात करें तो स्कूटर में जो वाइब्रेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है, ज़्यादा है नहीं, मतलब आपको जो है आपके हैंडल्स पे लगेंगे, आपको आपके पैरों के यहाँ पर लगेंगे थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत आपको जो है आपकी सीट के यहाँ पर भी वाइब्रेशंस फील होंगे, बट वो नॉर्मल जैसे स्कूटर में लगते उतने ही है, ज़्यादा है नहीं। मतलब अभी तक मैंने जो है इससे फास्ट स्कूटर मैं बोल सकता हूँ 110-125 cc में नहीं चलाया, ये इसका बाइक मतलब पिकअप पावर बहुत मजबूत है, बहुत कड़क है। ये देखो ब्रेकिंग, मैंने जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई किया बाइक जो है तुरंत स्टॉप हो जाती है और कॉन्फिडेंस के साथ स्टॉप होती है, ऐसा नहीं कि स्किड हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही अच्छे से आपकी बाइक जो है कंट्रोल होगी। एंड यस ये जो कलर और ये जो स्कूटर है काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया बाइक का जो शेप है वो बहुत ही अच्छा खासा बनाया हुआ है यहाँ पर यामाहा ने। एवरेज की बात करें तो आपको इस स्कूटर से मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज, तो मैं समझता हूँ कि इतनी एवरेज और ऐसी पावरफुल स्कूटर के लिए बहुत ही अच्छा खासा है। एंड बाइक का जो इग्निशन है काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल, आपको सिर्फ राइट में घुमाना है बाइक को स्टार्ट करने के लिए, और अगर आपको सीट ओपन करनी है तो आपको पीछे की साइड घुमाना है, और आपको हैंडल लॉक करना है तो पुश एंड पुश करके जो है और पीछे की साइड आपको घुमाना है, काफ़ी नॉर्मल से इन लोग ने यहाँ पर सिस्टम बिठाया हुआ है, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा जिग जिग नहीं। स्कूटर के टायर्स बहुत ज़्यादा ग्रिपी है यहाँ पर, जो ट्यूबलेस टायर्स दिए हुए हैं मैक्सिस के, बहुत ही ज़्यादा ग्रिपी टायर्स, तो काफ़ी ज़्यादा चिपक के चलते रोड को, तो यहाँ पर जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ठोक देता अभी उसको देखा। तो बाइक में जो है प्लेंटी ऑफ पावर है, तो स्लोप वगैरह चढ़ने में या फिर डे टू डे कम्यूट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्कूटर है आपको एक डे टू डे कम्यूटर प्लस आपको मान लो कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस इन सेंस लॉन्ग राइड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने की बात कर रहा हूँ, तो इतनी स्पीड इतनी माइलेज और इतना पावर बहुत हो गया डे टू डे यूसेज के लिए मैं समझता हूँ। और तो बस बाकी तो फर्स्ट क्लास है स्कूटर, कोई टेंशन नहीं, मत कर। तो यहाँ पर होती है मेरी फैसिनो की टेस्ट राइड ख़त्म। वंस अगेन स्पेशल थैंक्स टू यामाहा स्पीड ऑटो। तो अगर आपको यहाँ पर आना है और इस स्कूटर के बारे में जानना है और बहुत सारी दूसरी बाइक्स हैं यहाँ पर, तो इसका ये शोरूम का जो एड्रेस है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ पर आकर कभी भी विजिट मार सकते हैं। और बाय द वे मैं भूल जाऊँ उससे पहले मैं आपको चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो है इन लोगों ने साइड स्टैंड का भी फीचर दिया हुआ है, मैं साइड स्टैंड को नीचे करूँगा बाइक का इंजन हो जाएगा ऑफ़। ये देखिए बाइक का इंजन हो गया ऑफ, और जब तक जो है आप
साइड स्टैंड को उठाओगे नहीं तब तक जो है इंजन ऑन भी नहीं होगा। तो एक बहुत ही अच्छा खासा फीचर यहाँ पर यामा ने दिया हुआ है। और बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 85,000। तो मैं समझता हूँ 85,000 में जो है आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पैकेज मिल जाएगा फ्रॉम यामाहा। सो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ अपने मोटर व्लॉग के सेटअप से और मैं मिलता हूँ आपको मेरे मेन कैमरा से। ठीक है, चलो बाय। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक बटन ठोकना है और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड एंड द ब्लॉग यार, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो गाइस। इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज डीवीएफ ब्लॉग्स साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।